गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी वर्कबुक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए, यानी कि आप लोगों को ब्रैकेट में प्राणियों के आवाज दिए गए हैं, आपको उसको पहचानना है और उसके नीचे लिखना है। आप लोगों ये आवाज है वो आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में आप लोगों को मैंने सिखाया था, तो वही यहाँ पे रिपीट दिया गया है, तो मुझे बताना है। ठीक है, तो चलो ये क्या है? कुत्ता। तो कुत्ता किस प्रकार से वो बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, मैं चिंगारता हूँ, मैं म्याऊ म्याऊ करती हूँ, मैं टर्राता हूँ, मैं भौंकता हूँ, मैं मिमियाती हूँ और मैं दहाड़ता हूँ। तो इस ऑप्शन में से क्या आएगा? कुत्ता, यानी कुत्ता जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? भौंकना, यानी कि मैं भौंकता हूँ। उसके बाद हाथी, तो हाथी की आवाज को क्या बोलते हैं हम? चिंगारना। तो क्या है यहाँ पे? मैं चिंगारता हूँ। इसी प्रकार शेर, तो शेर क्या करता है? वो दहाड़ता है, यानी कि मैं दहाड़ता हूँ। उसके बाद मेंढक, तो मेंढक जो बोलते हैं उसकी आवाज को क्या बोलते हैं हम? टर्राना। तो क्या बोलता है, क्या आएगा इसमें? मैं टर्राता हूँ। उसके बाद है बिल्ली, तो बिल्ली बोलती है तो उसकी आवाज को क्या बोलेंगे हम? म्याऊ म्याऊ, तो मैं म्याऊ म्याऊ करती हूँ। उसके बाद है बकरी, तो बकरी बोलती है उसको क्या बोलते हैं हम? मिमियाना, तो मैं मिमियाती हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पुस्तक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखो, यानी कि यहाँ पे भी आप लोगों को प्राणियों के आवाज दिए गए, यहाँ पे आवाज दिए गए, लेकिन वो प्राणी की क्या, कौन सी आवाज है, कौन से प्राणी की, वो हमें लिखना है। तो खाली जगह हिन हिनाता है, तो कौन हिन हिनाता है? घोड़ा। सेकेंड है खाली जगह बल बलाता है, तो कौन बल बलाता है? ऊंट। उसके बाद है खाली जगह घुर्राता है, तो कौन घुर्राता है? बाघ। उसके बाद खाली जगह फुंकारता है, तो फुंकारता कौन है? सांप। उसके बाद खाली जगह खो खो करता है, तो कौन खो खो करता है? बंदर। उसके बाद खाली जगह हुआ हुआ करता है, तो कौन हुआ हुआ करता है? गिद्ध। उसके बाद खाली जगह टांटाएं करता है, तो टांटाएं कौन करता है? तोता। और खाली जगह रंभाती है, कौन रंभाती है? गाय। ठीक है, तो आज हमने प्राणियों के आवाज देखे, आज हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और बाकी जितना आप लोगों का वर्कबुक में वर्क बाकी है वो आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, और सभी प्राणियों की आवाजें आप लोगों को याद रखनी है।